दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस टैबलेट के बारे में, जिसका नाम है जूनियर लेंजोल 15 टैबलेट। जूनियर लेंजोल बहुत ही फेमस दवा है अपने गुणों के कारण। यह सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। आइए दोस्तों बात करते हैं जूनियर लेंजोल टैबलेट के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है जूनियर लेंजोल, छोटे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके होने वाले बेनिफिट, इसके होने वाले लाभ के बारे में। बहुत सारे बच्चों को पेट में दर्द होना, एसिड होना, गैस तेजाब होना, ये समस्या रहती है। गैस तेजाब की समस्या होने पर जब पेट में दर्द होने लग जाता है, वहाँ पर आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट पेट में होने वाली एसिडिटी को ख़त्म करती है। बहुत सारे बच्चों के पेट में एसिडिटी हो जाती है, वहाँ पर आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट कुछ ही पल में पेट में होने वाली एसिडिटी को ख़त्म करती है, अल्सर को ख़त्म करती है और बहुत ही जल्दी बेबी को रिलीफ दिलाती है उसके पेट में होने वाली एसिडिटी से, पेट में होने वाले पेन से। बहुत सारे बच्चों को कब्ज की समस्या रहती है, वहाँ पर भी आप लोग इस मेडिसिन का, इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट बच्चे की कब्ज को भी ख़त्म करेगी और साथ ही साथ बच्चे के पेट में होने वाले गैस तेजाब को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ये टैबलेट। आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी इसे आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे इसकी एक्सपायरी के बारे में, तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अब बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में, यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार आप लोग कर सकते हैं, या अपने बच्चे के रोग की अवस्था के अनुसार डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उसके बाद मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कॉम्पोनेंट के बारे में। दोस्तों इसमें लेंसोप्राजोल 15 मिलीग्राम में पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोनेंट है, बहुत ही बेहतरीन सॉल्ट है। कंपनी की बात करें तो सिप्ला कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे इस टैबलेट के होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, कि आपको क्या क्या इसकी हानियां मिल सकती हैं अगर आप लोग इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। बहुत सारे लोगों को इस टैबलेट को लेने के बाद एसिडिटी, नोशिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिट, ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं। अगर आप लोगों को ये सारी समस्याओं में से कोई समस्या होती है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। धन्यवाद दोस्तों आज की।